तो मैच वेक 6 का दूसरा मुकाबला एटीके मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच जो खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे से विवेकानंद युवा भारती क्रियांगण पर, वन ऑफ द इजिएस्ट चैलेंज फॉर द मरीनर्स। बिकॉज गाइस ऑन द पेपर अगर देखोगे तो एटीके मोहन बगान एक बहुत ही टफ टीम है, जहां नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। 5 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है ये टीम और 5ों ही हार गए, जहां सारे ही मैचेस के अंदर हमने इनका लॉट ऑफ डिफेंसिव ब्लैक देखा है। माइकल जैकोबसन एंड गौरव बोरा के साथ हमेशा तालमेल में कमी नजर आए। मिडफील्ड का एवरेज परफॉर्मेंस जॉन गजाताना का बस वहां पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। होल्डिंग मिडफील्डर का रोल हमने इनसे देखा। इसके अलावा रोमन फिलिपिटॉक्स एक और ऐसे प्लेयर जिन्होंने मिडफील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अटैक में ये इकलौते ऐसे प्लेयर है जिनके ऊपर नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा भरोसा कर सकते है, बट एक क्वालिटी इंडियन मिडफील्डर का कमी है इस टीम में। छाड़ा को अब तक मार्को बलबुल ढंग से यूज नहीं किया। अटैक में जीथी नेमेस बहुत ही इंप्रेसिव नजर आए, बट उनके साथ हमेशा फिनिशिंग प्रॉब्लम रहा है। एक भी फाइनल डिलीवरी अब तक इनके ओर से नहीं आया। गोल दागने के लिए मैट डर्बीशायर के ऊपर मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशन था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वेल, जिस तरीके का ये प्लेयर है उसके हिसाब से तो अब तक 5ों ही मैचेस के अंदर फ्लॉप साबित हुआ है। ऑन द अदर हैंड एटीके मोहन बगान दे आर प्लेइंग ए वेरी टफ टीम गेम। लास्ट मैच के अंदर हमने इनके ओर से एक बहुत ही हाई फ्लाइंग एनकाउंटर देखा, जहां वन मैन डाउन होते हुए भी अपने अवे मैच के अंदर मुंबई के खिलाफ लेट गोल स्कोर करके इन्होंने एक पॉइंट हासिल किया है। डिफेंसिव लाइनअप के अंदर ग्रेजुअली ब्रेंडन हेमिल का परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव हुआ है। जॉनी काउको और ह्यूगो बूमो ने मिलकर एटीके मोहन बगान का मिडफील्ड को अब तक बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। दिमित्री हमेशा इनके अटैकिंग लाइनअप को लीड करते हुए नजर आए, जो 10 गोल अब तक एटीके मोहन बगान ने स्कोर किया है इस सीजन में। उन 10 में से 7 गोल के अंदर ही दिमित्री का योगदान है। 3 गोल 4 असिस्ट और इस स्टैटिस्टिक को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि दिमित्री इस टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लिस्टन कोलासो भी लास्ट मैच के अंदर टच में नजर आए। आशिक कुरुनियन का भी अब तक हीरोइक परफॉर्मेंस रहा है उस लेफ्ट फ्लैंक पर। एंड गाइस ओवरऑल अगर देखोगे तो करंटली एटीके मोहन बगान एक रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। इसके अलावा अगर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखा जाए तो 6 बार ये दोनों टीमें अब तक ISL में आमने सामने आए हैं, जिनमें से 2 प्लेऑफ मैचेस भी शामिल है। और इन 6 में से गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है सिर्फ 1 मैच, 1 मैच ड्रॉ और बाकी के 4ों ही मैच जीता है एटीके मोहन बगान। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के लिहाज पर गाइस मरीनर्स का पड़ा बहुत ही भारी रहने वाले है। बाकी अगर टीम न्यूज के बारे में बात किया जाए तो एटीके मोहन बगान के लिए फ्लोरेंटिन पोग्बा रिसेंट इंजुरी के वजह से इस मैच के लिए डाउटफुल रहने वाले है, और लास्ट मैच का रेड कार्ड के वजह से लेनी भी एटीके मोहन बगान के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरी तरफ गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का टीम में कोई भी इंजुरी कंसर्न नहीं है, यानी कि मार्को बलबुल के पास सिलेक्शन के लिए एक फुल्ली फिट स्क्वाड अवेलेबल रहने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक कमेंट सेक्शन पर आप मैच के बारे में अपना राय दे सकते हो। सो साइनिंग आउट एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।